वेलकम बैक टू माय चैनल देव ओआईटी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाला है ऑल्ट ओजी प्रो स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये वीडियो अच्छे लगे तो इसमें एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। यह है ऑल्ट ओजी प्रो जो स्मार्ट वॉच है उनका बॉक्स। सामने लिखा है ब्लूटूथ कॉलिंग और 1.93 इंच एलसीडी टीएफटी उसका बैजिंग। साइड में है सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग, एआई वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट गेम्स और IP67 वाटरप्रूफिंग का जो है लोगो। पीछे में सेमी इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। बॉक्स को पहले ही खोल लेते हैं। खोलने से आप लोग देख ही सकते हो अंदर जो वॉच है कुछ इस तरह से आता है। वॉच को हम लोग निकल लेते हैं। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आता है और ये एक चार्जिंग केबल है, ये बॉक्स के अंदर आते हैं। चलिए आप देखते हैं वॉच को। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है पूरा मेटल बिल्ड है। इस तरफ स्पीकर का ओपनिंग है और दूसरी तरफ माइक का जो आउटपुट है उसका ओपनिंग है। रोटेटिंग क्राउन है और एक बटन दिए रखा है इस साइड पे। पीछे पे सारे सेंसर्स हैं और ये जो बेल्ट है स्ट्रैप है पूरा ही पूरा एप्पल वॉच की तरह ही दिखता है, आप लोग देख ही सकते हो। और इसका भी क्वालिटी सुपर है। चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। ये हो गया स्मार्ट वॉच ऑन। इसका जो स्क्रीन है बहुत ही ज़बरदस्त है, 1.93 इंच का स्क्रीन आता है। ऊपर से नीचे स्वाइप करने से टॉगल मेनू आएगा, आप लोग देख ही सकते हो। जो फर्स्ट DND का है, सेकेंड ई कार्ड का ऑप्शन है, बैटरी सेवर मोड है और ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन है। उसके बाद अब जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसका भी ऑन ऑफ करने का फीचर्स दिया गया है और उसके बाद सेटिंग्स आता है। सेटिंग में फास्ट है डिस्प्ले, डिस्प्ले में ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप, वॉच फेस, मेनू व्यू, फेवरेट, रेस्ट टू वेक का ऑप्शन दिया गया है। मेनू व्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेनू व्यू इसमें है। बैक कर लेते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल आपको दिखा दिया है। वॉच फेस 1, 2, 3, 4, 5 वॉच फेस इसमें आता है। और फेवरेट में आप जो कॉन्टैक्ट्स है आपका जो फेवरेट है वो सेव कर सकते हो। चलिए बैक में जाता है। नीचे से ऊपर स्वाइप करने से नोटिफिकेशन का पैनल आएगा। इस तरह स्वाइप करने से पहले एक्टिविटी आएगा, उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग आएगा, उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटरिंग आएगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आएगा, उसके बाद SpO2 मॉनिटरिंग आएगा, फिर वेदर का फोरकास्ट आ जाएगा और कैमरा शटर का भी ऑप्शन इसमें प्रोवाइड किया है। उसके बाद फिर स्क्रीन आता है। इस साइड से स्वाइप करने से फिर से मेनू आएगा, एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, एक्सरसाइज रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर, SpO2 अबाउट, वेदर, फोन कॉल, म्यूजिक प्लेयर, कैमरा, रिलैक्स, स्मार्ट वॉच, स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, AI वॉइस असिस्टेंट भी इसमें आता है और कुछ द गेम्स इनमें भी प्रोवाइड किया है। गेम्स के अंदर 1, 2, 3, 4 गेम्स दिया है। इससे आप बहुत अच्छी तरह से टाइम पास भी कर सकते हो। यह था वॉच का बेसिक फीचर्स।
आप देखते हैं इसका जो सेंसर है सरफेस पे काम करता है कि नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं। सरफेस में दिया, इसका जो सेंसर है सरफेस पे काम कर रहा है। इसका मतलब यह है इसका सेंसर उतना भी अच्छे नहीं है। देखते हैं, अब एयर टेस्ट कर लेते हैं। एयर पे यह सेंसर काम नहीं कर रहा है, लेकिन सरफेस पे इसका जो सेंसर है ये रीडिंग ले रहा है। मतलब इसका जो सेंसर है उतना भी अच्छा नहीं है। Alt OG Pro स्मार्ट वॉच में 230 मिली एम्पियर आवर का बैटरी है, जिससे आपको मैक्सिमम 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि इसका जो स्क्रीन है बहुत ही बड़ा है, और विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग आपको 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं इसका वेट कितना है। इसका जो वेट निकल के आ रहा है 58.250 ग्राम्स, जो कि साधारण जो स्मार्ट वॉच है उससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। Alt OG Pro जो स्मार्ट वॉच है उसका इन हैंड फील कुछ इस तरह से आता है, और हाथ में पहनने से इसका जो लुक्स है पूरा ही पूरा एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह ही आता है। और रोटेटिंग क्राउन जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। इसको घुमा के आप लोग जो स्क्रीन है वो चेंज कर सकते हो, और जो दूसरा बटन दिया गया है उससे आप डायरेक्ट एक्सरसाइज मोड पे जा सकते हो। Alt OG Pro जो स्मार्ट वॉच है उसका कॉल फंक्शन कैसे काम कर रहा है अभी वो देख लेते हैं। इसके लिए मुझे इस तरफ स्वैप करना पड़ेगा, उसके बाद जो फ़ोन कॉल है उसमें जाना पड़ेगा, देन रिसेंट कॉल से एक कॉल मैं कर लेता हूँ। चलिए हाँ बेटा, इसमें साउंड कैसे आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। तो आवाज एकदम क्लियर है और थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, कौन सी है? क्या? आवाज एकदम क्लियर आ रहा है क्या? पूरा क्लियर आ रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो इसका जो कॉल क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है, और जो स्पीकर का आउटपुट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इसका जो कॉल फंक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहा है। चलिए इस कॉल को मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। इसमें आप फ़ोन कॉल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, और कॉल को म्यूट भी आप लोग कर सकते हो, जैसे कॉल को म्यूट भी कर सकते हैं। तो इसमें सब फंक्शन बहुत बढ़िया तरह से काम कर रहा है। चलिए इसका रिस्ट अवेक का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही स्लो है, बहुत देर के बाद इसका स्क्रीन ऑन होता है, आप लोग देख ही सकते हो। डायरेक्ट सनलाइट में इसका विजिबिलिटी कुछ इस तरह से आता है, जो कि मुझे ठीक ठाक नहीं लगा है। आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। तो ये था Alt OG Pro स्मार्ट वॉच का फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है, तो इसमें एक लाइक कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।